हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरेसी मैथ्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.3, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं इरेशनल नंबर? वो नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता था वो क्या होता था? रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, विच कांट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉन जीरो। क्यों होती थी कंडीशन? क्योंकि अगर टू अपॉन जीरो हो गया तो विच इज नॉट डिफाइन नहीं करेगा, इसीलिए ये कंडीशन जरूरी थी कि क्यू नॉन जीरो होगा। तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते थे जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे? फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हुए थे कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। मतलब जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकल पा रहा है वो हमारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए, क्योंकि रूट फोर का तो कंप्लीट रूट टू होता है, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं होगा ये। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये इरेशनल नंबर है, रूट टू कैसे इरेशनल नंबर है, हम ये शो करने वाले हैं। इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं को हम यूज करेंगे आगे वाली स्टेटमेंट को प्रूफ। स्टेटमेंट है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई भी एक प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये कंडीशन आती है कि पी प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो अगर कोई पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी उस ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, जहां पे ए हमारा कैसा नंबर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो उसका रूट कैसे निकलेगा? ठीक है, मतलब अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर को, मतलब 9 को, तो 2 हमारा किसको डिवाइड करेगा? 3 को भी करेगा। मतलब सॉरी, मैंने गलत एग्जांपल लिया, 2 तो नहीं हो सकता। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, प्राइम नंबर पी, कोई भी पी है, पी अगर 9 को कर रहा है तो वो पी 3 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, प्रूफ करना था हमें कि रूट टू क्या है, इज इरेशनल। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा, मतलब हम लेके चलेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, हमें शो करना है इरेशनल, हम लेके चलते हैं इरेशनल नहीं है, फिर हम एट लास्ट शो कर देंगे कि हमारी अजम्पशन गलत थी, तो इसका मतलब ये इरेशनल होना चाहिए था। रूट टू इज इरेशनल, तो देखिए, लेट रूट टू इज नॉट इरेशनल नंबर। रूट टू इरेशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स रूट टू कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब रैशनल नंबर हो गया तो रैशनल नंबर कौन से होते थे जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते थे? तो मान लो रूट टू को मैं पी बाय क्यू फॉर्म में लिख पा रही हूं। ठीक है, रूट टू को मैंने पी बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया क्योंकि रैशनल नंबर है, तो रूट टू इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू, वेयर ये लिखना जरूरी है कि क्यू इज नॉन जीरो। मान लेते हैं जो पी बाय क्यू था वो इस फॉर्म में था कि आगे वो कट रहा था, मतलब उनका कॉमन फैक्टर आ रहा था। तो मान लेते हैं हम कि कोई एक कॉमन फैक्टर है उसका, सपोज पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो जब अदर देन ए वन के अलावा, वन होता तो पी बाय क्यू मिल जाता, वन के अलावा अगर कोई है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कट के कुछ और वैल्यू मिलेगी, पी बाय क्यू तो नहीं रहेगी। मान लेते हैं वो वैल्यू में ए अपॉन बी मिल गई कटने के बाद। देयर फोर अब हम रूट टू को क्या लिख सकते हैं? वी विल ऑब्टेन दिस, रूट टू इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? b इंटू रूट टू इज इक्वल्स टू ए। देखिए बेसिकली हमें शो क्या करना है, हमने ये बोल दिया कि p एंड q का कॉमन फैक्टर था अदर देन वन, तो कट के वो a बाय b मिल गया। अब यानी कि यार भी आगे नहीं कट सकते, इसका मतलब क्या है कि a एंड b आर co-prime। co-prime वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, HCF वन होता है जिनका फैक्टर नहीं था, यानी कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन ये शो करनी है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो वो देखो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग जैसे हमने बोथ साइड की, देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू का टू हो जाएगा, इन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम टू इंटू बी स्क्वायर से लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, टू अगर नीचे ले जाएंगे तो यानी कि टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। एंड बाय आवर लास्ट थ्योरम, अगर कोई पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो टू
उस ए को भी डिवाइड करेगा. देयरफोर बाय थ्योरम वी कैन से टू डिवाइड्स ए ऑल्सो. ठीक है, आप जब टू ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, फॉर सम इंटीजर सी. भाई डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि टू में कुछ मल्टीप्लाई करा होगा, जभी तो हमें ये मिला होगा. फैक्टर कर रहे हैं ना, उसका मल्टीप्लाई करने भी तो आया होगा. ये हो गया, अब इनकी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड तो हमें क्या मिल गया, देखो फोर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, और अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, जो ये ए स्क्वायर की वैल्यू मिली है इसे हम कहां पुट कर देंगे, इधर. टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर था. देखो क्यों, क्योंकि हम ये तो शो कर चुके हैं ना कि टू ए को डिवाइड कर रहा है. अब यहां से कैसे शो होगा कि टू बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि बी तो मैं टर्म में यूज करना ही पड़ेगा. वो कैसे आएगा अगर मैं उस इक्वेशन में पुट कर दू, वो क्या थी हमारी, टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर था. देखिए टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की जगह मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगी जो मैं वहां से मिली है. तो ये आ जाएगा हमारा फोर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. ठीक है, अब टू से एक कैंसिल तो हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर मिल गया. अब अगेन टू जो है बी को डिवाइड करेगा अपॉन में चला जाएगा ना, क्योंकि इट मीन्स टू डिवाइड्स बी स्क्वायर. देयरफॉर आवर लास्ट थ्योरम, टू डिवाइड करेगा बी को भी. यही तो हमें शो करना था कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है. यहां हमने शो कर दिया टू ए को डिवाइड कर रहा है और यहां हमने शो कर दिया टू बी को डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर विच इज टू अदर देन वन, बट ये हमारी कंट्राडिक्शन कर रहा है इस अजम्पशन को जो हमने लेट की थी कि पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और यहां पे हमने बोला था ए बी को प्राइम है. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं मतलब ये तो हमें गलत मिल गया, उल्टा हो गया. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आर अजम्पशन. Therefore, our assumption is wrong. यानी कि जो हमने लेट किया था ना कि रूट टू इरेशनल नहीं है, तो यानी कि वो गलत हो गया, रूट टू इरेशनल ही होगा. Therefore, रूट टू इज इरेशनल. ठीक है, क्लियर है. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जो कि है रूट थ्री इज इरेशनल. देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो भी क्या करेंगे, वही लेट कर लो कि रूट थ्री इरेशनल नहीं है. लेट रूट थ्री इज नॉट इरेशनल, इट मीन्स रूट थ्री इज रैशनल, है ना. रूट थ्री इरेशनल यानी कि रूट थ्री को मैं दोबारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ. और पी बाय, मान लो पी बाय क्यू जो है कॉमन फैक्टर उनका वन के अलावा, अदर देन वन, तो यानी कि वो को फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं अगर प्राइम फैक्टर से. तो सपोज वो ए बाय बी की फॉर्म में मिल गया, जो ए बाय बी है वो कैसे नंबर होंगे, को प्राइम. क्यों, क्योंकि हम काटने के बाद जो फैक्टर कॉमन था उसे काटने के बाद हमें ए बाय बी बच रहा है, यानी कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, बी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू ए. अगेन हमें क्या शो करना है कि ए और बी का कोई ऐसा नंबर शो कर देना जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो. वही सेम प्रोसेस जैसे करा था, दोबारा स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल गेट बी स्क्वायर इंटू थ्री विच इज ए स्क्वायर, यानी कि थ्री डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को. तो अपनी लास्ट थ्योरम से पी प्राइम को ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो थ्री ए को भी डिवाइड करेगा. थ्री ए को डिवाइड करके अब हमें शो करना है थ्री बी को डिवाइड करेगा. देखिए थ्री ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कोई ऐसा मल्टीपल मिल गया थ्री का विच इज इक्वल्स टू ए, जबकि तो थ्री ए को डिवाइड कर रहा है. मान लो थ्री टू जा ए होता है सपोज, तो तभी तो थ्री डिवाइड कर पाएगा. तो वो सी में मिल गया कोई सम इंटीजर सी. अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, नाइन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अगेन ऐसे स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट कर दो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमने वहां पुट करा इस इक्वेशन में, तो क्या मिला, थ्री बी स्क्वायर था हमारा ऑलरेडी, और ए स्क्वायर यहां से क्या आ गया, नाइन सी स्क्वायर. थ्री थ्री जै नाइन कट गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गया हमें, थ्री सी स्क्वायर. इसका मतलब थ्री किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, तो इसका मतलब थ्री बी को भी डिवाइड करेगा. थ्री ए को डिवाइड कर रहा था, थ्री बी को भी कर गया, इसका मतलब ए और बी का तो कॉमन फैक्टर मिल गया हमें.
कॉमन फैक्टर अदर देन वन दैट इज थ्री विच इज कंट्राडिक्शन. देयरफॉर आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग. यानी कि जो हमने लेट किया था इरेशनल नहीं है वो गलत था. तो रूट थ्री कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर. थैंक यू.